सनावत से करीब 4 किलोमीटर दूर ग्राम बासवा में रविवार सुबह एक कुएं से करीब 62 वर्षीय वृद्ध का शव मिला है। मृतक के एक हाथ और दोनों पैर बंधे हुए मिले, जिसे देखते ही पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। मृतक की पहचान नानक राम उम्र 62 निवासी ग्राम बासवा से हुई। जांच अधिकारी SI नीरज लोधी ने बताया कि जिस कुएं में शव मिला वो बासवा निवासी विनोद जायसवाल, ओम प्रकाश राठौर, लोकेंद्र सिंह पवार तीनों का सामूहिक कुआ है। जब कुएं में शनिवार शाम पानी भरने के लिए मोटर चालू की गई तो पानी से तेज बदबू आने लगी, जिससे खेत पर रहने वाले मजदूर तोताराम को इस बात की सूचना देकर कुएं में कोई जानवर के मरे होने की संभावना जाहिर की। मजदूर ने पानी में बदबू सूंघकर टार्च नहीं होने की बात कहकर सुबह कुएं पर जाकर देखने की बात कही। सुबह जब मजदूर तोताराम ने कुएं पर जाकर देखा तो पानी के ऊपर शव तैरता हुआ नजर आया, जिसके बाद उसने अपने मालिक विनोद जायसवाल को बताया, जिसके बाद विनोद ने सनावत थाने पर इसकी जानकारी दी। सूचना पर रविवार सुबह 9 बजे 100 डायल वाहन घटना स्थल पर पहुंचा, जहां उक्त शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शरीर में पानी भरे होने के कारण शव फूल गया था। सनावत TI राजेंद्र सोनी ने बताया कि हाथ पैर बंधे होने से हत्या की आशंका व्यक्त की जा सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में PM इंदौर MY में करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हादसे का कारण स्पष्ट होगा। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। एक वृद्ध का शव मिला था, करीब 60-62 साल उसकी उम्र थी, और जब खबर मिली तो हमारे सब इंस्पेक्टर नीरज लोधी मौके पे गए थे। बॉडी को निकलवाया, आसपास गांव वालों को दिखाया तो किसी ने उसको पहचाना नहीं। पहले तो वो अनआइडेंटिफाइड थी, लेकिन फिर जब उसके हाथ पे ध्यान से देखा, जब शव पंचनामा कर रहे थे तो उसके हाथ पे नानक राम लिखा हुआ था। फिर पता करा नानक राम नाम का कोई व्यक्ति है क्या, तो फिर उसके लड़के आए, उन्होंने बताया कि हाँ नानक राम नाम का हमारे पिताजी थे, 3-4 दिन से गायब है वो। तो हालांकि उन लोगों ने कोई गुमशुदगी अपने पिताजी की कायम नहीं कराई थी थाने पे। फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन तो हो ही गया है, अब पोस्टमार्टम क्या, चूँकि बॉडी डिकम्पोज है तो हम उसको फॉरेंसिक साइंस वाले उसका उपस्थित रहें, इसके लिए मैं बॉडी को इंदौर MY भेज रहा हूँ। यहाँ से पोस्टमार्टम होने के बाद ही कुछ चीज़ों का खुलासा हो पाएगा, मृत्यु का कारण, मोड ऑफ डेथ, रीजन एंड मोड ऑफ डेथ, दोनों चीजें वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।